पद्मनगर थाना क्षेत्र में दो युवकों पर चाकू से हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने दर दबोचा है। पकड़े गए आरोपियों में अधिकतर नाबालिग हैं, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। पूरे मामले की जानकारी देने के लिए कंट्रोल रूम पहुंचे खंडवा पुलिस अधीक्षक ने पूरा घटनाक्रम की जानकारी दी और बताया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि नाबालिग बालकों ने किस तरह इस वारदात को अंजाम दिया और आखिरकार इसका मकसद क्या था। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जिन लोगों ने भी इन बालकों को अपराध करने के लिए उकसाया है या किसी तरह की मदद की है, उनके नाम भी पुलिस के पास आ चुके हैं। जल्दी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था और आखिरकार इन आरोपियों ने दो लोगों को निशाना क्यों बनाया। मिर्च झोंक कर चाकूबाजी की जो वारदात हुई, किस तरह का घटनाक्रम था और पुलिस को किस तरह की सफलता मिली? ये कल 5 फरवरी 2023 को थाना पद्मनगर के अनी टॉकी क्षेत्र में दो व्यक्तियों पे, शेख हुजैफ और मोहम्मद तल्ला, इनके ऊपर चाकू से हमला हुआ था। इसमें मोहम्मद तल्ला के आंखों में मिर्च भी झोंकी गई थी और जिसके आधार पर तत्काल इसमें टीम्स एक्टिव हुई थी। कुछ हमको सीसीटीवी फुटेज मिले थे, कुछ मुखबिरों से जानकारी मिली थी और जिसके आधार पर इसमें हमने आरोपियों को चिन्हित किया था और 3 अपचारी बालकों को हमने अभिरक्षा में लिया है। और उसके बाद बाकी जो आरोपी हैं उनके नाम का खुलासा हुआ है। एक घटनाक्रम जिसमें शेख हुजैफा पे हमला हुआ था, उसमें 5 कुल आरोपी थे, जिसमें 4 अपचारी बालक और एक बालिग राजा राठौर नाम का आरोपी है। और दूसरे जो घटनाक्रम था उसमें 2 अपचारी बालक और 1 राजा राठौर नाम का आरोपी है। तो इस प्रकार से दो जो 307 के प्रकरण थे उसमें हमको जो मेन आरोपी है उनके नाम का क्लियर हो गया है। 3 उसमें गिरफ्तार हैं, अभिरक्षा में हैं। इसके अलावा इनके द्वारा जब घटना का कारण वगैरह पूछा गया तो ये आया कि ये कुछ आपराधिक तत्वों के संपर्क में हैं तथा ये कुछ बड़ा करना चाहते थे। दुर्लभ कश्यप नाम के गुंडे से प्रभावित भी थे, ऐसा उनके मोबाइल वगैरह में भी जानकारी मिली है। और इसके साथ साथ फिर इस चीज़ का कुछ अन्य आपराधिक तत्वों ने इनको फिर कुछ ऐसा घटनाक्रम की तरफ प्रेरित किया जिससे कि शहर का माहौल कुछ ख़राब हो और जिसके वजह से ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। और इसमें हमने जो बाकी लोग के इन्होंने नाम बताए हैं उसको विवेचना में संलग्न किया है और जैसे उनके खिलाफ जो भी साक्ष्य मिलते हैं उसके आधार पर इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी इन्वॉल्व रहेगा उसके खिलाफ इसमें कड़ी कार्रवाई होगी और जो भी शहर का माहौल ख़राब करना चाहता है उसको कानून सम्मत उसमें कार्रवाई हम करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि जो दो जिनको चोट लगी थी या जिनको साथ घटनाक्रम हुआ था, शेख हुजैफ और मोहम्मद तल्हा, तो मोहम्मद तल्हा दोनों लोग इंदौर में इलाजरत हैं। मोहम्मद तल्हा अब पूरी तरह से खतरे से बाहर हैं और जल्द ही उनको संभवतः डिस्चार्ज करके किया जा सकता है। और शेख हुजैफा अभी ऑब्जर्वेशन में है और डॉक्टर्स की टीम उनको भी नज़र रखी है, हमारी पुलिस की टीम भी वहाँ मौजूद है और हम पूरी तरह से प्रशासन और सब लोग मिलके और बेहतर उपचार उनको उपलब्ध कराया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, जो बातें आ रही हैं तो उसके आधार पर हम उसका साक्ष्य संकलन करें, अगर कुछ पाया जाता है तो उसमें आरोपी निश्चित रूप से बढ़ेंगे। सर क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने इनको मोटिवेट करा है इस तरह की हरकत करने के लिए? जो भी, हाँ बिल्कुल, अगर कुछ ऐसा हमें मिल जाता है, कुछ हमें साक्ष्य मिलते हैं और जो कि स्ट्रांग होते हैं तो उसमें बिल्कुल निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर माना जाएगी कोई मतलब इस तरह से जो है बाल मन को प्रभावित करके अपराध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही समझ लीजिए कि नाबालिग बच्चे हैं, उनको आप क्योंकि कच्ची मिट्टी के घड़े होते हैं और उनको इस तरह से आप इस तरह से गलत काम करने के लिए प्रेरित करें तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा। किस तरह की अपील थी? लोगों से अपील है कि शहर का माहौल जो भी खराब करने का कोशिश करें उसका साथ ना दें और सभी लोग संयम रखें और किसी प्रकार की कोई जानकारी लगती है तो पुलिस को सूचना दें, कानून को अपने हाथ में न लें और जो भी इस तरह के अगर कोई कृत्य करता है तो उसके खिलाफ कड़ी